हेलो, मेरा नाम निरंजन सिंह देवल है और मैं राजस्थान से आया हूँ, भीलाड़ा में रहता हूँ। मैं जनवरी 2019 में एकदम से काफ़ी टाइम बाद क्रिकेट खेलने गया और एकदम से मेरे को पैर में दर्द होने लगा क्रिकेट खेलने के बाद। फिर मैंने वो दर्द इग्नोर किया, थोड़ा थोड़ा हो रहा था, फिर इग्नोर करता गया, 3 4 महीने तक इग्नोर किया। फिर एमआरआई करवाने के बाद पता चला कि L4 L5 नर्व कंप्रेस हो रहा है बैक में और उससे दर्द हो रहा है यहाँ पे मेरे राइट लेग पे, बटक पे। ठीक है, तो कमर में नहीं हो रहा था, सिर्फ बटक पे है ना। फिर वो डॉक्टर ने बोला वहाँ पे जोधपुर में कि ऑपरेशन करवाओ, एंड बट सुना कि ऑपरेशन नहीं कराना है तो देसी इलाज यहाँ पे नडियाड में स्टार्ट किया। फिर नडियाड में स्टार्ट, उससे और ज़्यादा वर्स्ट हो गया। फिर देसी मालिश वालिश और कराई। फिर सेकेंड बार MRI मैंने सेप्टेम्बर में कराई, उसमें फिर से MRI में ज़्यादा कंप्रेशन आया था और डॉक्टर ने फिर बोला था कि ये ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो पैर लटकने लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर हमने इग्नोर किया, फिर हमने और इधर उधर, फिर उससे मेरी हालत और वर्स्ट हो गई, देसी इलाज और उससे फिर खींचतान। और फिर मैं उदयपुर में वहाँ पे होम्योपैथिक दवाई ली 8 9 महीने, उससे मेरी भी वॉकिंग वॉकिंग स्टार्ट हो गई और मैं रोज़ के 2 3 किलोमीटर घूमने लगा था। बट वो पता नहीं, उससे फिर धीरे धीरे वापस मैं कहीं सख्त जगहों पर बैठने से वापस दर्द स्टार्ट हो गया। फिर मेरे को बैठने में दोनों पैरों में दर्द होने लग गया। और उस टाइम पहले पहले स्टार्टिंग में मेरा पैर गरम गरम होता था जब मैं चलता था, फिर धीरे धीरे वापस पैर सुन्न होने लग गया नीचे से पूरा पूरा। थोड़ा सा मैं चलता था 500 मीटर 700 मीटर, उससे मेरे को सुन्न होने लग गया। फिर मैं 7 8 महीने दवाई ली, फिर मैं बैठने लगा, पढ़ाई करने लगा, तो फिर वापस बटक में दर्द होने लगा, बैठने में प्रॉब्लम आने लग गई और चलने में प्रॉब्लम आने लग गई, सब कुछ प्रॉब्लम आई। फिर मैंने मेरे को वहाँ पे फ्रेंड है सुरेश जी, वो उन्होंने यहाँ से सिस्तव्य स्पाइन हॉस्पिटल अहमदाबाद से ऑपरेशन कराया, डॉक्टर भरत दवे सर से। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप भी जाओ वहाँ पर और ऑपरेशन करवाओ, तो या जो भी उनसे कंसल्ट करो। फिर मैंने वहाँ पे गूगल से उनका, भरत दवे सर का और सिस्तव्य स्पाइन हॉस्पिटल का एड्रेस लिया। फिर वहाँ पे भरत दवे सर को, मतलब वहाँ पे वो अपॉइंटमेंट के लिए कॉल किया और उन्होंने 1 महीने की बाद अपॉइंटमेंट दी, 1 महीने के बाद अपॉइंटमेंट दी 8 जुलाई को। फिर मैं 8 जुलाई को यहाँ आया अहमदाबाद और भरत दवे सर से अपॉइंटमेंट मिला, तो उन्होंने वापस मेरी सब जांच करवाई और जांच के बाद बोला कि मतलब हालत और वर्स्ट हो रही है पिछली MRI से, तो आप ऑपरेशन करवाओ। ऑपरेशन करवाने का डिसीजन अगले दिन लिया और उस दिन मेरे को एडमिट किया। उसके अगले दिन तो हुआ नहीं शायद, क्योंकि वो वेटिंग में था। उसके अगले दिन ऑपरेशन किया गया मॉर्निंग में 10 11 बजे से, और 1 2 बजे ऑपरेशन हो गया। फिर वहाँ से ऑपरेशन के बाद रेस्ट किया उस दिन। अगले दिन मैं जब उठा तो मतलब जब जो दर्द पहले था सुन, वो नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है वो शायद, और जो बटक वाला दर्द है वो तो बिल्कुल गायब है। जो दोनों बटक में स्टार्ट हो गया था दर्द पिछले 2 3 महीनों में, वो भी बिल्कुल गायब है। बट अभी वो और कोई दर्द नहीं, अभी सिर्फ स्ट्रेचर्स का दर्द है, वो जो कट लगाया है कमर में, और उसकी वजह से वो खींच, मैं जैसे ही खड़ा होता हूँ या घूमता हूँ इधर उधर करवट लेता हूँ तो उसकी वजह से वो मतलब स्ट्रेचर्स का दर्द स्टार्ट होता है। बाकी जो पहले दर्द था जो मैं यहाँ लेके आया था, वो दर्द तो नहीं है अभी। और मुझे अब टॉयलेट भी आई है और वो कमर वाली जो नली है वो भी निकाल दी है, टॉयलेट वाली निकाल दी है। और फिजियोथेरेपिस्ट है यहाँ पे, बहुत अच्छे हैं। एक मैडम है मेगल मैम, वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरे मुझे सबसे अच्छे लगे फिजियोथेरेपिस्ट में। और यहाँ पे जो वार्ड बॉय है या नर्सिंग स्टाफ है बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है। और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, अब मुझे 1.5 महीने के बाद वापस आने का बोला है या जो भी बोलेंगे, और मुझे बेड रेस्ट का बोला है। और मुझे बहुत बहुत डॉक्टर सर का बहुत अच्छा इलाज लग रहा है और मुझे लग रहा है मैं पूरा ठीक होके वापस लाइफ में वापसी करूँगा।